नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों आज की जो घटना है, मेरे एक सब्सक्राइबर अमित यादव जो कि पंजाब जालंधर के रहने वाले हैं और इन्होंने शेयर करी है, सो मुझे लगा आप लोगों के साथ इनकी स्टोरी जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इन सभी चीज़ों से जरूर सतर्क रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि यह जो घटना है आज के 3 साल पहले की है और ये अपने घर जालंधर से पटियाला जा रहे थे। इन्होंने ट्रेन में 3rd AC में रिजर्वेशन करा रखी थी और ये अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ट्रेन जैसे ही लुधियाना रेलवे स्टेशन को पार करती है तो होता क्या है कि एक लेडीज दौड़ती हुई कोच में आती है और पर्स 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 चिल्लाते हुए लोगों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस यही चिल्लाते रहती है कि मेरा पर्स मेरा पर्स, बस इतना कहते हुए इतने में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर, जो ट्रेन में जितने सारे लोग थे सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सारे लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और ट्रेन चलते रहती है। दोस्तों चलते चलते पटियाला रेलवे स्टेशन आ जाता है। यहाँ पर लेडीज ने कुछ चीजें जो है क्लियर नहीं करी और जैसे ही पटियाला रेलवे स्टेशन आता है तो सारे लोग उतर जाते हैं यहाँ पर, और वो लेडीज जो थी वो भी उतर कर और चेयर पे बैठ कर रोने लगती है। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो दोस्तों जितनी सारी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी उसी में से एक लोग बोलते हैं कि जो अभी जो है थोड़ी देर पहले मेरा पर्स किसी ने गायब कर दिया। तो मेरी ये जो सब्सक्राइबर थे इनको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लेडीज तो पर्स पर्स चिल्ला रही थी और उसमें से भीड़ जो इकट्ठा हुए थे उसमें एक यात्री का पर्स गायब हो गया। तो जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, इतने में हुआ क्या कि जो ट्रेन के गार्ड थे वो भी वहां पर आ गए। तब मेरी ये जो सब्सक्राइबर है इन्होंने गार्ड से पूछा कि सर क्या हुआ, ये जो लेडीज है पर्स पर्स चिल्ला रही थी। तो दोस्तों वो जो गार्ड थे उन्होंने जो बातें बताई सबके पैरों तले जमीन खिसक गए। दोस्तों हुआ क्या कि वो जो गार्ड जो है वो बोलते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि इस रूट पर एक गैंग है, जो कि उसमें से गैंग का एक आदमी ट्रेन के कोच में जो है या फिर लेडीज जो भी वहां पर पर्स पर चिल्लाएगी, और जैसे ही चिल्लाने के बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो उन्हीं के ग्रुप में के एक आदमी जो है या फिर एक दो लोग जो भी होंगे, जो भीड़ इकट्ठा हुई है उन्हीं यात्रियों के पर्स को गायब कर देते हैं। और यहां से गायब होने के बाद वो लोग वहां से उतर कर चले जाते हैं और ये जो लेडीज है यहाँ पर यही रो रही है, इसका कुछ पर्स वर्स गायब नहीं हुआ है। यहाँ जो यात्री इकट्ठा हुए होंगे भीड़ इसकी सहायता के लिए, उन्हीं में से किसी का पर्स गायब हुआ होगा। दोस्तों वाकई में ऐसा ही हुआ, उसमें से एक लोगों की पर्स गायब हो गई। तो यहां पर आप सोचिए कि किस तरीके से जो लोग सोच नहीं पाएंगे ऐसे ऐसे तरकीब निकाल कर इस तरीके से लुटेरे लोग ऐसे पर्स को गायब कर रहे हैं। तो दोस्तों इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहिएगा, खास करके उस रूट पर जहां पर यह बताया गया कि जालंधर से पटियाला के बीच में तो ऐसे बहुत सारे गैंग हैं, और अगर इस तरीके से कोई पर्स वगैरह चिल्ला रहा हो लेडीज वगैरह तो दोस्तों यहां पर यह पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वाकई में किसी को जरूरत है, उसका पर्स गायब हुआ है, और किसकी जरूरत नहीं है, कौन इस तरीके से ठगी मतलब ठग का काम कर रहा है। तो यात्रा अगर आप इन फ्यूचर ट्रेन में करते हैं इस या फिर ये रूट या जो किसी भी रूट पर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इन सभी चीज़ों से जरूर सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी बचाने के चक्कर में आपका खुद का पर्स गायब हो जाए जैसे कि यहाँ पर इनके साथ हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी और इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिली होगी, और इन फ्यूचर आप यात्रा करेंगे तो सतर्क होकर यात्रा करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपकी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।